हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो 18 जुलाई 1947 को ही आज़ाद हो गया था। तो फिर क्यों हम हर साल अपना इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि ना ही सिर्फ हम, इवन ऐसी चार और अदर कंट्रीज है जो इसी दिन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है। सो आइए आज कुछ ऐसे ही रियल अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे हमारी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। फैक्ट नंबर वन, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो देश है वो एक्चुअल में 18 जुलाई 1947 को ही आज़ाद हो गया था। तो फिर किसने ये डिसाइड किया कि 15 अगस्त को ही इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के उस टाइम के लास्ट गवर्नर माउंट बेटन ने डिसाइड किया था कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को ही ऑफिशियली इंडिपेंडेंस मिलेगी, क्योंकि दो साल पहले वर्ल्ड वॉर टू में जापान ने एलाइड फोर्सेस के आगे सरेंडर किया था। फैक्ट नंबर टू, अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो इंडियन फ्लैग आप इंडिया गेट पर, लाल किले पर, हमारी आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस एंड इवन यहाँ तक कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कार्स पे आप देखते हो, वो सब एक ही एंटिटी ने मैन्युफैक्चर की है। उसका नाम है KKGSS, कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघा। सिर्फ इन्हीं के पास लाइसेंस है हमारे इंडिया फ्लैग को मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करने का पूरी इंडिया में। फैक्ट नंबर थ्री, तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हर साल 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का झंडा लाल किला पर फहराते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त को झंडा फहराया गया था। फैक्ट नंबर फोर, वैसे तो हमारा नेशनल एंथम 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बना दिया था, लेकिन 1950 में ही इसको पारित किया गया था। फैक्ट नंबर फाइव, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी तरह ऐसे चार और देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड वो है साउथ कोरिया, जिसको 15 अगस्त 1945 को जापानी से आज़ादी मिली थी। दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको 15 अगस्त 1960 को फ्रेंच से आज़ादी मिली थी। तीसरा बारेन, जिसको 15 अगस्त 1970 को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी। एंड फोर्थ लिंकस्टेनस्टाइन, जिसको 15 अगस्त 1866 को जर्मन से आज़ादी मिली थी। फैक्ट नंबर सिक्स, तो अगर अब हम बात करें हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक फाइटर महात्मा गांधी जी, जिनके ऐसे तीन आंदोलन जिसका बहुत बड़ा हाथ था हमारे देश की आज़ादी दिलाने में। पहला आंदोलन 1971 में चंपारण आंदोलन, देश के लोगों की बंजर जमीन पर मुआवजा दिलाने के लिए। दूसरा आंदोलन सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको आप नमक हड़ताल के नाम से भी जानते हो, चीज़ों पर से टैक्सेस को रिमूव कराने के लिए। और तीसरा आंदोलन असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में द नॉन कोऑपरेशन, जिसमें उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम ना करने से, जिसके बाद काफ़ी डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स, टीचर ने स्कूल्स एंड लॉयर्स ने कोर्ट्स छोड़ दिए। फैक्ट नंबर सेवन, हमारे देश का इतिहास ये भी कहता है कि खुद देश में ना रहते हुए भी हमारे नेताजी ने इसी देश में अपनी खुद की आर्मी बना ली थी। लोग जानते हैं कि मैं किस नेताजी की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, ये नारा लगाने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका कितना बड़ा योगदान था हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। नंबर एट, भी आपको पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर नेताजी की आर्मी ने ब्रिटिशर्स को हरा कर उसे पहला आज़ाद भारत का हिस्सा बनाया था। फैक्ट नंबर नाइन, आज़ाद भारत की पहली गवर्नमेंट नेताजी ने ही बनाई थी, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, एंड वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के। यहाँ तक कि उनका खुद का एक बैंक भी था, आज़ाद हिंद बैंक, जिसका खुद की अपनी करेंसी एंड स्टैंप्स भी थे। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हमारे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, एंड ये वीडियो सबको शेयर कर दो ताकि उनको भी देश की आज़ादी के बारे में कुछ और जानकारी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत।